दो कड़ियां बस टाइम पास लई आण मोड़ ते बह गया, एवें रौला पै गया, एवें रौला पै गया, एवें रौला पै गया, एवें रौला पै गया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में दो दिवसीय एजुकेशन एक्सपो 2019 के अंतिम दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने कोर्स और करियर से जुड़े प्रश्न और समस्याओं के लिए कॉलेज आईलेट सेंटर और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के प्रतिनिधियों से खुलकर बात की। इस दौरान मशहूर पंजाबी गायक रविंद्र गरेवाल ने भी शिरकत की और सभी प्रतिभागियों मेहमानों से मिले और उन्होंने हमारी रिपोर्टर शिप्रा पसलीजा से कुछ अपने लम्हों के बारे में भी बात की। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द वेरी फेमस एक्टर सिंगर एज वेल एज मॉडल मिस्टर रविंदर गरेवाल जी, जिनको आप सभी जानते हैं। इनको बहुत सारी मूवीज और बहुत सारी सुपर डुपर हिट एल्बम्स में देख चुके हैं। आज वो लुधियाना हमारे साथ पहुँचे हैं यूनिवर्सल एजुकेशन फेयर, जो बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की गई है पंजाब में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं मिस्टर रविंदर गरेवाल जी से। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। सर कैसे हैं आप? बहुत वधिया जी, बिल्कुल। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा है? मेरा पिंड लुधियाने दे विच ही पैंदा जी, बस इत्थों तकरीबन 20 किलोमीटर ते हैगा गुजरवाल। सो बट हुण काफ़ी देर तो मैं लुधियाने रह रहा। चलिए सर, अपनी कवरेज स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं, आप इतने फेमस सिंगर हैं तो सॉन्ग्स की कोई दो तीन लाइन से स्टार्टिंग हो जी। सॉन्ग मेरा हल थोड़ा हौली हौली सुना दें। दो कड़ियां बस टाइम पास लई आण मोड़ ते बह गया, एवें रौला पै गया, एवें रौला पै गया, एवें रौला पै गया, एवें रौला पै गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए सिंगिंग लाइन में आप कब आए? मैनू बहुत टाइम हो चलिया जी, हूँ तो तकरीबन मतलब भी एक साल का मेरा हो चलिया करियर है ना, स्टार्ट होया नू मैं बड़ी छोटी एज दे विच ही स्टार्ट हो गया सीगा। सो इन्ना टाइम नाल नाल आउण, अजकल फिर विच विच फिल्मां च भी बिजी हो गए या एल्बम्स करते रहने है ना, तो बड़ा लंबा टाइम। और मैं तो थैंक्स करदा सारे का कि इन्ने लंबे टाइम तो इन्ना ज़्यादा प्यार करते सारे। सिंगिंग में कोई फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई इस लाइन में रह चुका है या फर्स्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, दूर दूर तक भी नहीं। और बस मैनू ही शौक सीगा खैर, और मैनू लगता कि बाकी जो थोड़ी लगन सही होवे है ना, शौक दी गल हुंदी है कि तुसीं उहदे नाल लगे रहो तो बाकी फिर मालक मेहर करदा ते सारे प्यार करदे आ ते अपने आप बन जांदा अगे। जब छोटे थे कहते अपने चाइल्डहुड टाइम पीरियड पे, जैसे आपने बताया आपको इंटरेस्ट था, तो कहते फैमिली के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, कि फैमिली ने आपको फुल सपोर्ट किया कि आपका एक इंटरेस्ट था कि सिंगिंग ही आपने करनी है? नहीं, फैमिली दी सपोर्ट ही रही मैंने शुरू तो, मतलब खैर सारे चाचे ताए मामे जड़े बहुत है ना थोनू एप्रीशिएट करते हैं, हल्लाशेरी देंदे कि नहीं बहुत अच्छा गा रहा। सो वो भी शायद मेरा ख्याल जो ना वो सपोर्ट मिली होंगी तो फिर कई बार थोड़ा शौक उत्थे ही कुट के रह जाता। सो सब तो पहला तो उन्होंने सपोर्ट रही बहुत ज़्यादा, तो उदे तो बाद फिर स्कूल टाइम कॉलेज टाइम फिर मैनू सरदार जगदेव सिंह जसोवाल साहब उन्हों का बड़ा मेरे करियर के योगदान रहा। सो उदे तो बाद इतने फाइन टोन कंपनी लुधियाने की रजिंदर सिंह फाइन टोन हो रही तेजवंत किट्टू जी, फिर सारे असं अगे अगे कड़ी ना कड़ी फिर जुड़ती गई और अगे चलते गए। कहते ना आपके गुरु कौन थे जिससे आपने सिंगिंग की ट्रेनिंग ली होगी? मैं एक्चुअली तीन चार जगह पर सीखिया, मैं बड़ी वड्डी शख्सियत ने पंजाबी संगीत की जसवंत भौमरा जी उस्ताद जी, उन्हों तो भी मैं सीखने का मौका मिलया, प्रोफेसर सी एल भल्ला जी है ना, और मैडम बिमला जी सी सब तो पहला मैं उन्हों तो स्टार्ट किया। सो बाकी मैं जो लाइफ के बहुत कुछ सीखिया अपनी कि जिंदगी जीना किदा, वो जिन्हों का मैं जिक्र किया कि जसोवाल साहब उन्होंने भी मैं अपना मतलब गुरु कह लो मेरे मतलब जां फादर वांगू ही सीगे किसम ना, उन्होंने इन्नी मैनू प्यार दिता। सो उन्हों तो बहुत कुछ सीखिया मैं जिंदगी। जैसे आज हम पंजाबी म्यूजिक सुन रहे हैं
कहते हैं ना कहीं मतलब वो एक लैक हो रही है मीनिंग्स को लेके, अपने वर्ड्स को लेके। कुछ कहते हैं कोई किसी की थिंकिंग है नशों को प्रमोशन मिल रही है, कोई कुछ कहता है सिंगिंग को लेके कि कोई मीनिंग नहीं होता, बट गाने डेली बनते जा रहे हैं, नए नए सिंगर्स आते जा रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं डाउनफॉल आया पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में? हाँ, लिरिक्स नू लैके तो थोड़ा मैं कहूँगा कि जिहड़े थोड़े पहलां दे लिरिक्स सी अज तो 10 साल पहलां दे वो ज़्यादा बैटर सीगे, क्योंकि एक तो एल्बम आउंदियां सीगियां जदों असीं स्टार्ट कीता पहलां, उदों पूरी एल्बम रिलीज़ हुंदी सी जिहदे च 8 सॉन्ग 10 8 10 इदां गाने, और फिर उहदे च ट्राई हुंदा सी कि हर जिहड़ा गाणा हैगा वो अलग अलग फ्लेवर का होवे। सो अजकल हुण सिंगल ट्रैक का जमाना आ गया, सिंगल इक्को ही गाना आउंदा, सो वो हर कोई फिर रिस्क नहीं लैंदा कि डिफरेंट डिफरेंट आइडिया और रिकॉर्ड करे, तो जो एक चल रहा जे बंदूकों वाले चल पे तो सारे वो पिछे पै जाते हैं, जे कोई नशे का जन मतलब थोड़ा एक आप कह लिए कि फुकरबाजी है ना दिखावा वो बहुत ज़्यादा आ गया साढ़े गाणियां च। अजकल तुसीं कोई भी गाना चक लो उहदे च 80% लिरिक्स तुहानू यही मिलणगे कि असीं इदां कर दिंदे आ, साढ़े कोले फलानी गड्डी आ, असीं फलाने बूट पाउने आ, साढ़े कोले फलाने ब्रांड दे कपड़े पाउने आ, सो मतलब शो ऑफ। ओह 80% लिरिक्स साढ़े अज दे ये कह रहे आ, मैं फलानी गन रखी आ, फलानी गड्डी रखी आ, बस यही कुछ आ। जितनी भी मूवीज़ दी हैं तो बहुत अप्रिशिएट किया है सब ने, आपने बीच में कॉमेडी भी दी है, काफ़ी अच्छे रोल्स आपने प्ले आउट किए हैं, तो आपको आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है? कॉमेडी को ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि ट्रेंड चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है कॉमेडी का, आती है कॉमेडी मूवी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक हो जाते हैं। नहीं, मैनू इदा नहीं हुंदा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट तजर्बे किए जान, चाहे वह गीतों लैके आ चाहे मूविया लैके आ, जिदा असी एक जज सिंह LLB की सी फिल्म, मतलब कॉमेडी असी करते हैं बट एक मीनिंगफुल कॉमेडी और एक सिचुएशनल कॉमेडी मैनू ज़्यादा चंगी लगती है। कि मैनू ये देखो कॉमेडी पंजाबियों के सुभा चा, मैं लगता कि थोड़ी मूवी हमेशा लाइट ही होनी चाहिए है, बट वो अंदर कोई अच्छा असी मैसेज दे जाने, कोई चंगी गल कर जाने, वो भी बहुत जरूरी है। तो आपकी आने वाली मूवीज़ कौन सी हैं, किसमें आप अभी आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ अपनी मूवीज? एक तो साड़ी हुण मूवी बस रिलीज़ तो ही आ, उसकी डेट बस 8-10 दिन च रिलीज़ हो जाएगी, गिद्दड़ सिंगी वह टाइटल हैगा, आई थिंक मैं भी जुलाई या अगस्त की वो डेट आ जाएगी, सब तो पहला तो वही आएगी, फिर एक दो फिल्म होर। किस टाइप का रोल होगा? वो थोड़ा डिफरेंट ही आ, हले तो दसना बहुत अर्ली आ, तो थोड़ा लेट दसांगे की है, बट बहुत अलग हैगा जो मैं पहला किया उहदे नालों बड़ा डिफरेंट। म्यूजिक एल्बम्स कौन कौन सी है बने? म्यूजिक एल्बम्स भी काफ़ी गाने रिकॉर्ड हुए हुए आ, उन जल्दी असी एक एक करके रिलीज़ करांगे, अगले 15-20 दिन मेरा ख्याल फर्स्ट सॉन्ग आ जाएगा। आपने यहाँ के सिंगर्स के बारे में बताया, क्या उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ जो आजकल डेली बेसिस पे सॉन्ग्स उतर रहे हैं? आपने पहले भी एक बहुत अच्छा उनके बारे में बात बताई, तो हम चाहते हैं आप एक अच्छा सा मैसेज उनको डिलीवर कीजिए। देखो मैसेज मुझसे तो कोई नहीं अजकल सुनता, हर बंदा सियाना अपने घर, तो फिर बड़ी गल आ जाती है जी, अगला कहना जी लोग सुनते हैं तो असं इदा गाने। सो पर मतलब लोगों भी चलो इंट्रस्ट हैगा, जोड़े साढ़े यंगस्टर है उन्होंने अच्छे लगते वह जे जे लिरिक्स है, तो मैं लगता कितना ना कि साडे च वैसे ही पहला नालों थोड़ा ज़्यादा शो ऑफ टाइप जी फुकरबाजी है वो बढ़ चुकी है, और इस करके उदा के गाने भी हम चंगे लगते हैं ना, ज़्यादा समझाउण बुझाउण वाले गाने किसी नहीं वधिया लग रहे। स्टार्टिंग में बताया यूनिवर्सल एजुकेशन फेयर यहाँ पे फर्स्ट टाइम बहुत हाई लेवल पे ऑर्गेनाइज की गई है, तो आप यहाँ पे क्या आपने देखा, क्या आपने मतलब एक चीज़ को सर्वे किया? जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल के जो यूथ है कोई भी यहाँ पे रहना पसंद नहीं करता, सबकी एक है कि हम बाहर चले जाएँ कैनेडा ऑस्ट्रेलिया, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ है यहाँ पर ठीक है हमारे पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए? देखो तो चलो सोच हर एक दी अपनी अपनी है, बट ये मैनू बड़ा चंगा लग्या यूनिवर्सल एजुकेशन जिहड़ा एक्सपो पहली दफ़ा पंजाब दे विच लग्या, और इदां दे उपराले जिहड़े हैगे आ होने चाहिए आ, विकास भाजी हुणां दा बहुत वधिया मतलब उपराला हैगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हुण अगे स्टडी सारयां दी स्टार्ट होनी आ, है ना, सारे पास आउट होए ने, सो इको जगह ते आ के तुसीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कोर्स अपने एक इस एक्सपो दे आ के तो बहुत ईजी हो जाता स्टूडेंट्स लई, क्योंकि नहीं अलग अलग जगह पर जाना
है ना कि वक्रे वक्रे शहरों के फिर उन्होंने जाके विजिट करना पेगा। सो ये एक बहुत ही वधिया मैनू मतलब मैं कहूँगा और सारे इतने आके और इदा का जोड़ा मौका हैगा वह फायदा उठा चाहिए क्योंकि तुम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कंपेयर करते हो चाहे तुम बाहर भी जाना है। सो भी यूनिवर्सिटीज़ इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं। सो बहुत चंगी गल हैगी है। चाहते हैं हम लुधियानवीज जिनको अभी तक आई थिंक ये मैसेज नहीं मिला होगा इस एजुकेशन फेयर के बारे में, तो एक मैसेज जरूर दीजिए, डिलीवर कीजिए कि जरूर विजिट करें इस एग्जीबिशन। जी, मैं तो पहले ही वही कह रहा हूँ कि नहीं थानू कितनी मेहनत करनी पैंदी है ना, कोई यूनिवर्सिटी कितने हैगी या कोई कॉलेज कितने हैगा, तुम अलग अलग जगह पर जाके विजिट करोगे तो इतने एको जगह पर थोनू सारा तुम कि स्टडी अगे करनी चाहते हो या तुम बाहर भी जाना उतों दिया भी यूनिवर्सिटीज़ के इतने सारे स्टॉल लगे आ। सो बहुत चंगी गल आ और मैं लगता एको थान पर आ के तुसीं बड़ा क्विक अपना डिसीजन लै सकते हो कि मैं अगे की पढ़ना हैगा जां की मेरे लिए बैटर हैगा। सो बहुत ज़्यादा जरूरी आ इहो जे जिहड़े मतलब एक्सपो होने चाहिए आ क्योंकि और एक तो यह हैल्प करते हैं कि तुम दो चार जगह तो सब का है ना अलग अलग ओपीनियन लेने हो कि मैनू की पढ़ना चाहिए की थोड़ी डिग्री हैगी है, तो बच्चों बड़ा ईजी हो जाता कि क्योंकि बहुत वड्डी गल हुंदी है कि उन्होंने अगे अपना फ्यूचर चुनना इतों है ना। तो इदा के जोड़े एक्सपो है बहुत ज़्यादा जरूरी ने और मैं लगता जोड़े हले तक नहीं आए उन्होंने जरूर आना चाहिए। सो बहुत वधिया कदम हैगा यही। बॉलीवुड इंडस्ट्री को आप कितना फील कर रहे हैं, टेक्निकल फॉर्म में कितना ग्रो अप हुई है बॉलीवुड इंडस्ट्री आज की टाइम पर? देखो ग्रो तो हुई है बट हले होर बहुत जरूरत हैगी है होन की जे आप टेक्निकल दी स्पेशल तुसी गल की है कि पहला नालों चलो बहुत ज़्यादा हले तो हौली हौली इत्थे पता चलिया है कि अच्छा जी स्क्रीन प्ले अलग बंदा लिखता हुंदा, अच्छा जी डायलॉग वाले अलग हुंदे ने, हाँ जी अच्छा मतलब हुण इत्थे मतलब हुण बंदे अवेलेबल होन लग गए आ कि कोई स्क्रीन प्ले लिख रहा, कोई डायलॉग लिख रहा, कोई स्टोरी राइटर है। सो क्योंकि हले इंडस्ट्री शुरू हुई है कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो होया नहीं। सो पर हुण एक बारी ली ते चढ़ चुकी है तो आने वाले टाइम ते जिहड़े हले साडे जिहड़े कैमरामैन हैगे आ जां फाइट मास्टर हैगे आ उह ज़्यादातर बॉम्बे तो आउंदे आ है ना। सो हुण हौली हौली मैनूं लगता कि इत्थे इदा के इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए आ जिहड़े इदा की पढ़ाई भी करवाउण इस इंडस्ट्री नूं लैके ताकि साडे टैक्नीशियन भी इत्थों दे ही होर असीं पैदा कर सकीए और साडी इंडस्ट्री होर ग्रो करे। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? मैसेज तो एक सॉन्ग के साथ, एक सॉन्ग के साथ। मैसेज तो मैं पहले ही कह गया अजकल कोई लेंदा नहीं ना कोई सुनदा। अच्छा सा अपने फैंस के लिए एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा का मैसेज सॉन्ग के थ्रू दे दीजिए। जी वो सुना दें, चलो मैं जी चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख होण, आवी बाबा नानका तू आवी बाबा नानका, एहो जइयां खुशियां ले आवी बाबा नानका एहो जइयां। सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ फेमस सिंगर एंड एक्टर मिस्टर रविंदर गरेवाल जी, जिनको आप सॉन्ग्स तो सुन के सुनते ही हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं आप उनको, और उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ग्रो अप कर चुकी है पहले के कंपैरेटिवली, और बट उन्होंने एक बहुत अच्छा ये भी मैसेज दिया कि जो टेक्नीशियंस हमारे हमें बाहर से बुलाने पड़ते हैं वो हमारे पंजाब से ही, अगर यहाँ का यूथ यहाँ पर ऐसी स्टडी करके बाहर निकले कि हमें बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, और सब कुछ यहाँ पे पंजाबी जो हमारी मूवीज़ बनती हैं सारा यूथ यहीं से हमारा निकले, तो होपफुली उनका मैसेज सब तक पहुँचेगा और यहाँ की स्पेशली जो टीम है जो मूवीज़ बनाती है उन तक ये मैसेज ज़रूर डिलीवर होगा। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।